जैन दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पहले से बहुत अच्छी कर रहे होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी ने देख लिया होगा कितनी कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आ चुकी है, तो किस में कितनी है। आपको पता भी होगा कि हमें किस में टारगेट करना है, किस पोस्ट के लिए टारगेट करके पढ़ना है। सबने टारगेट रख लिया होगा कि हमें इस पोस्ट में जाना है, हमें इस पोस्ट में जाना है, हमें इस पोस्ट में जाना है। किसी को SSF में जाना है, किसी को CISF अच्छी लग रही, किसी को असम राइफल्स में जाना, किसी को BSF में जाना, किसी को कुछ में। लेकिन और जो आपको फोर्स मिलेगी ना, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपने कितनी मेहनत की है, कब मेहनत की है या मेहनत नहीं की है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो आप जाना चाहते थे CISF में, आपको मिल गई SSB, तो आपकी मेहनत के ऊपर है कि आपने मेहनत कम की है एग्जाम के लिए। फिजिकल का कोई नंबर नहीं है तो उसमें तो पासिंग है, वो मेहनत नहीं मानी जाएगी, वो तो पासिंग की बात है। ठीक है, मेडिकल का कोई नंबर नहीं है, नंबर ही से मेरिट बनती है, मेरिट से ही आपको क्या होता है, सिलेक्शन होता है। किस फोर्स में सिलेक्शन होगा वो है, तो आपको ये डिपेंड करेगा कि आपको किस फोर्स में जाना है, वो आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत अभी से शुरू करेंगे या पहले मेहनत की होगी आपने, जब से पता है कि SSC GD की वैकेंसी आनी है, बहुत दिनों से पता है सभी को, तो मेहनत कर रहे होंगे, तभी आपको कोई ना कोई फोर्स मिलेगी, सिलेक्शन होगा। तो मैं ही बात करने वाले हैं आज कि आपको फोर्स, मतलब कि फोर्स तो मिलेगी, जो आपका रिजल्ट आएगा, अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे, लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करते वक्त कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस बननी है, सबसे पहले कौन सी पोस्ट बननी है, फिर उसके बाद कौन सी बननी है, ये बताने वाले हैं। पोस्ट प्रेफरेंस अभी इसमें कितनी है, पहली तो बात है कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, 7 पोस्टों पर आई है। कौन कौन सी है 7 पोस्ट? CRPF, ITBP, असम राइफल्स, SSB, BSF और SSF, ये 7 हैं पोस्ट इन पे आई है। तो आप किसको पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज। सिलेक्शन के लिए एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जैसे मैंने एक भाई भाई का इंटरव्यू लेकर डाला था पिछले बार, जो SSC GD में सिलेक्टेड है, उसकी पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से गलत पोस्ट में लगी, वो चला गया। जैसे उसके नंबर थे 153, 153 नंबर थे ना, उसको मिलनी क्या चाहिए थी SSF नंबर के हिसाब से, लेकिन उसने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी CRPF, फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस CRPF भर दी, तो भाई CRPF मिलेगी। BSF भर दी एक नया सी, BSF भर दी, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया है ना, BSF वाले का लिया है, उसने BSF पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस भर दी थी, नंबर 153 जमीन थे, तो उसको CRPF BSF मिलेगी। BSF में भी ट्रेनिंग कर रहा है, फिलहाल में चला गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या बननी है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ पोस्ट प्रेफरेंस की, तो देखो सबसे पहले आपको SSF बननी है, जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि SSF एक ऐसी चीज है जी, SSF में आप आगे रह के पढ़ सकते हैं आराम से, बहुत टाइम है, बहुत चीज है। तो पोस्ट प्रेफरेंस सबसे क्या बननी है, पहले SSF बननी है, फिर आपको CISF बननी है, फिर SSB बननी है, तीन जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको अच्छी फौज में जाना है, आरामदायक नौकरी, ज्यादा मतलब कि अदर से अपेक्षा है, ये नहीं कि बिल्कुल आराम ही है, नहीं, अन्य फोर्सों से अपेक्षा करके होगी, बता रहा हूँ मैं, अन्य फोर्सों से अपेक्षा आराम करना है, तो पहले क्या बताइए, SSF, CISF, फिर SSB, फिर आपको जो भी भरना है, जैसे कि CRPF भर लो, फिर ठीक है ITBP भर लो, फिर BSF भी भर लो, असम राइफल्स भर लो। कई सारे बच्चे असम राइफल्स फर्स्ट क्लास भरेंगे, कौन से भरेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों वाले, क्यों? क्योंकि वो पूर्वोत्तर राज्य में रहते हैं ना, उन्हीं को असम राइफल्स चाहिए है, क्योंकि वही पास में ही उनको है, उनका रहवास है, मतलब रहने वाले भी वो पूर्वोत्तर राज्यों के, वहीं पर ड्यूटी मिल जाएगी, तो असम राइफल्स उनके लिए सबसे बेस्ट बन जमानी जाएगी। अब जैसे असम वाला लड़का दिल्ली में ड्यूटी करने आए, नौकरी करे, उसके लिए सुटेबल नहीं, बहुत दूर है, अगर वो असम राइफल्स में ड्यूटी करे तो पास में ही पड़ जाएगी, पता चला उस खुद के जिले में लग जाए नो ड्यूटी, अगल बगल वाले राज्यों में लग जाए, ये जरूरी है। तो जो मतलब कि मेन भारत के जो दिल्ली के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या बनना है आपको, SSF बननी है, फिर आपको क्या बननी है, CISF बननी है, SSB बननी है, फिर आपको क्या बनना है, CRPF, ITBP, BSF, असम राइफल्स, ये बननी है आपको पोस्ट पर। ये पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे तो आपको मतलब कि अब पोस्ट प्रेफरेंस तो भर दी, ये मायने करता है, पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, अब आपको नंबर भी लाना जरूरी है। ऐसा तो है नहीं कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस पोस्ट में हो जाए, नंबर भी लाना जरूरी होता है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरी है ऐसी, अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर दी तो नंबर कितने भी लिया ये तो कोई फायदा नहीं रहेगा, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।